आपने सांप तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने पैरों वाला सांप के बारे में सुना है? हम हमेशा अपनी वीडियो से आपके नॉलेज बढ़ाते हैं, इसलिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। सांप तो रेंगने वाला जीव है। फिर सवाल आता है कि सांप के पैर कैसे होते हैं? सन 1800 में जब कई वैज्ञानिकों ने जीवों के विकास के बारे में पता लगाया जा रहा था, तब डी लैंडमार्क नाम के वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दिया, जिसमें लैंडमार्क ने कहा कि जीवों में जिस बॉडी पार्ट की उपयोग ज्यादा होती है वो आगे आने वाली पीढ़ी में विकसित होती है, जबकि जिस बॉडी पार्ट की उपयोग कम होती है वो गायब हो जाती है। इसी को लेकर उन्होंने सांप के बारे में बताया कि पहले सांपों के पैर होते थे, लेकिन उनके पैर बिलों में घुसने के लिए बेकार थे, इसलिए वो गायब हो गए। लैंडमार्क के इस थ्योरी को बाद में नहीं माना गया। वैसे क्या आपको इस पैरों वाले सांप के बारे में पता था? हमें कॉमेंट में बताएं।